आज मैंने आपको शुरुआत में वादा किया था, खैर ये वादा मैंने आपको सोमवार से किया था कि महंगाई जो है लगातार डीजल पेट्रोल के जैसे दाम बढ़ रहे हैं, हम इस पर लोकतंत्र में लगातार बात करते रहेंगे, लगातार सवाल उठाते रहेंगे। जनता के सरोकार से जुड़ी हमें लगता है सबसे बड़ी खबर यही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएनजी जो है जिससे गाड़ियां आप चलवाते हैं, जो थोड़ा क्लीन पोल्यूशन जिसको बोला जाता है कि क्लीन एनर्जी है, 2.28 रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस जिससे आपके घर में खाना बनता है, इसमें 2.10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2 अक्टूबर को सीएनजी 2.28 रुपए से अब तक बढ़ोतरी होगी और पीएनजी में 2.10 रुपए की बढ़ोतरी, एक महीने में दो बार इस तरीके से बढ़ोतरी करी जा चुकी है इन दोनों गैसेस पर। अब इसका बोझ जो है वो आम आदमी पर जरूर पड़ रहा है। अब कैसे आम आदमी का बोझ बढ़ता जा रहा है, 2014 में सीएनजी 35.20 रुपए प्रति किलो होती थी, पीएनजी 24.05 रुपए, अब 2021 की अगर बात करें तो ये करीब 50 रुपए के आसपास सीएनजी चल रही है और 35.11 रुपए पर जो पीएनजी है वो चल रही है। इसकी बढ़ोतरी जो अगर आप देखें तो 41% की बढ़ोतरी हुई है सीएनजी में और पीएनजी के दामों में 43.3% की बढ़ोतरी हुई है। अब एक महीने में दो दो बार सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे, सीएनजी जिससे गाड़ियां चलती हैं, पीएनजी जिससे आपका चूल्हा चलता है, ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। लेकिन इसी के बीच केंद्र सरकार ने एक खुशखबरी लोगों को दी, मतलब गर्मी ज्यादा हो जाती है ना तो छाता लगा के आपको लगता है कि थोड़ा राहत मिल रही है, वैसे केंद्र सरकार ने आज छाता खोला और कहा कि 5 महीने में महंगाई दर जो है वो सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर इतनी राहत की बात है तो हम सबको ये राहत फील भी होनी चाहिए, हमें राहत महसूस भी होनी चाहिए। क्या आम आदमी भी इसी राहत को जमीन पर महसूस कर रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, इस पर आगे और बात करेंगे। कपड़ा फट गए, ये देखो शर्ट फटी हुई है और कैसे बनवा पाए। बहुत महंगाई बढ़ गई है सर, क्या करें, अनाप सनाप मतलब महंगाई हो रही है। सरकार कह रही है कि महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर से नीचे आई है, इस पर जनता क्या कह रही है ये भी सुन लिया। वो कहते हैं ना कि कटने वाले की जान जाए, खाने वाला स्वाद की चिंता में मरे, वही बात है। कितने लोग जानते हैं साहब कि रिटेल महंगाई क्या होती है, थोक महंगाई क्या होती है? उन्हें तो बस इतना पता है कि आटा तेल का भाव पहले क्या था, अब कैसे सातवें आसमान पर है। झोला लेकर बाजार पहुंचे, आलू का रेट पूछा और फिर जेब टटोलने लगे, सिर खुजाने लगे। पिछली बार आए थे तो 50 का 4 किलो, आज सीधे 2 किलो। आलू ने ही ये हाल कर दिया है कि टमाटर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही। प्याज हरी सब्जी खरीदने से पहले जेब दोबारा टटोलने लगे। उन्हें इतना ही गणित समझ में आता है कि वो भी शास्त्री भवन, पंत भवन, फला भवन, ढिमका भवन में बैठकर रिटेल थोक की बाजीगरी नहीं कर रहे होते। वैसे जो सरकार का महंगाई मीटर भी साथ साथ चल रहा है वो क्या कह रहा है उसे देख लें। 200 रुपए कमाते हैं, अब ये 60 रुपए किलो टमाटर बता रहे हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे? अब आटा 30 रुपए किलो है और तेल 240 रुपए दे रहे हैं, और 200 रुपए कमाने वाले कैसे गुजारा हुआ है? 30 रुपए किलो आटा हो गया है, तेल बहुत महंगा है, सब्जी है, मिर्ची है, कुछ भी लेने जाओ बहुत पैसा बढ़ रहा है सर। डीजल है, पेट्रोल है, हर चीज़ है, साग है, सब्जी है, कोई भी आटा है, तेल है, हर चीज़ की है, अनाप सनाप मतलब महंगाई हो रही है। महीने में बंदे की 10,000 रुपए की इनकम नहीं है, खर्च हो रहे हैं 15,000 के, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देखेंगे अपना घर, बताइए। तेल लेने आते हैं 100-200 रुपए किलो तेल है, अब 20 रुपए के में तो काम नहीं चलेगा, कम से कम किलो भर तो चाहिए हफ्ता 15 दिन के लिए, तो गरीब आदमी तो खरीद नहीं पाएगा भैया इतनी जल्दी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक सितंबर में महंगाई दर गिरकर 4.4% पर आ गई, और सरकार किस बिना पर इसे कम बता रही है वो इस ग्राफ को देखकर समझिए। जनवरी 2021 में महंगाई दर 4.1% थी, जो अप्रैल में कम होकर 4.2% हुई। मई 2021 में ये चढ़कर 6.3% पहुंच गई, जो धीरे धीरे गिरते हुए 4.4% पर आ गई। ये आंकड़े क्या कहते हैं इसे समझने के लिए आपको रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई समझने की जरूरत है। आप इस सरकारी बाजीगरी को कैसे सरल भाषा में समझेंगे, उसके लिए हमने एक एक्सपर्ट के सामने आपके मन का सवाल रख दिया, जवाब सुनिए। रिटेल महंगाई की दर नीचे आई है, अगर हम अगस्त की तुलना में देखें
तो सितंबर में जरूर नीचे आई है, पर इसका असर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह है कि जब तक वो सामान लोगों के हाथ में आता है, क्योंकि जो मार्केट में सामान होता है वो पुराना पड़ा हुआ होता है, उसको दुकानदार पुराने रेट्स पर बेचते हैं। जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है वो जो सप्लाई होती है होलसेल और कंज्यूमर लेवल पे, उसके आधार पर करी जाती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये असल में असर दिखाई देगा। इस देश में डेटा देने वाली एक संस्थान होती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। NSO सुनकर लोग समझ जाते हैं, इसीलिए यही याद रखिए, खाने पीने की चीजों की महंगाई दर इस साल सितंबर में कम होकर 0.68% रही। ये पिछले महीने से 3.11% के मुकाबले काफी कम है। अगर ये डेटा सचमुच थोक पीट कर लगाया गया है तो सड़क पर आलू 50 के 2 किलो की जगह 5 किलो मिलना चाहिए था। टमाटर आलू लोग भर भर कर खरीदते, लेकिन है तो उल्टा। लोग क्या कह रहे हैं, सीधे ग्राउंड पर रिपोर्टर उतरे, उन्हीं से ही पूछ लीजिए। टमाटर क्या भाव है? टमाटर जो है ना 80 रुपए किलो बिकने लगा। 80 रुपए हो गया है टमाटर। और ये खीरा? खीरा 50-60 बिक रहा है। और ये आलू? आलू तो 30। और प्याज 50 तलक बढ़ गई। प्याजियों को निहार रहे हैं या सिर्फ खरीदेंगे भी? निहार ही रहे हैं, बहुत महंगाई है इसलिए ले नहीं पाते अब तो सब्जी वगैरह। ये स्थिति है कि जो सब्जियां किलो में खरीदी जाती थी अब वो ग्राम में ले रहे हैं लोग, क्योंकि मजबूरी है, कमाई का बहुत ज्यादा जरिया नहीं है। और जो सब्जियां लोग घर से ले जाते हैं मार्केट से घर के लिए, तो किचन का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए दिल्ली की मंडियों में रेट लिस्ट भी आपके सामने रख देते हैं। पहले तो बातों बातों में बताया था, अब एक साथ दिखा देते हैं। पिछले महीने पालक 10 रुपए किलो था, जो अब 50 रुपए किलो है। टमाटर महीने भर पहले 20 रुपए का था, अब 50 के भाव बिक रहा है। प्याज का भी वही हाल है, पिछले महीने 25 रुपए प्रति किलो, अब 50। लखनऊ के हजरतगंज में इस वक्त हम नरही मार्केट में हैं। थोक और फुटकर की दुकानें हैं यहाँ पर, जहाँ पर अनाज मसाले तेल से लेकर तमाम रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान मिलता है। आइए देखते हैं, बात करते हैं लोगों से कि दरअसल महंगाई का कितना असर पड़ रहा है, ख़ासतौर से पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ तमाम और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। अग्रवाल जी हमारे पास हैं, इस शॉप के मालिक का। अग्रवाल जी, कितना बदलाव देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में अनाज और रोज़मर्रा की ज़रूरत के जो दूसरे सामान हैं उनके बीच? सर, अब जैसे कि आटा 20 रुपए किलो आराम से बिकता था, वो तेज 24 रुपए हो गया। मैदा बढ़ गया, सरसों के तेल में बेशुमार तेजी है। जो सरसों का तेल 120 रुपए पैकेट था, 195 का चल रहा है। और आपकी दालें आले जो हैं, लाल मसूर की दालें हैं, 20-20 रुपए किलो, उनमें इजाफा हुआ। बहुत बड़ा वजह है, मैं पहले अगर गाड़ी स्कूटर में पेट्रोल 250 रुपए डला रहा था, तो आज 400 रुपए का डला रहा हूँ। एक फ़र्क है, पहले अगर मैं 120 रुपए का मस्टर्ड ऑयल खरीद रहा था, तो आज 215 रुपए का पतंजलि का पैकेट मैं ले रहा हूँ। प्राइसेस का कैसे फ़र्क नहीं है? घर में अगर मुझे 5 पैकेट डिफरेंट मस्टर्ड ऑयल लेके जाना है, तो मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने। सिर्फ सब्जियों के दाम की बात नहीं है साहब, तेल की चर्चा करते देह में आग लग जाती है। CNG, PNG, LPG सब की कीमत कमोबेश हर दूसरे दिन बढ़ रही है। लोकल सर्कल के एक सर्वे से पता चला है कि 50% लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह से जरूरी चीजों पर खर्च कम करने पर मजबूर है। इनमें से 14% तो ऐसे हैं जिनकी सेविंग्स कम हो गई। सेविंग्स कम हो ही गई तो क्या हुआ? बैंक में रखे रखे पैसा कौन सा बढ़ रहा था, कौन सा बहुत ज्यादा ब्याज मिल रहा था? बैंक वाले भी तो हमारा आपका पैसा रख कर एहसान वाले मोड में आ गए हैं, इसीलिए छटपटाते रहिए, क्योंकि आप मिडिल क्लास हैं। वो चाचा देखे थे आपने, जो बेचारे कह रहे थे टमाटर निहार ही रहे, ऐसा लग रहा था कि किसी टमाटर प्याज की बात नहीं हो रही, किसी बॉलीवुड की हीरोइन को देख रहे निहार रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख लिया, साफ हो गया कि जनता जो है उसको कम से कम जो सरकारी आंकड़े हैं उससे शायद कुछ खास असर उनको ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। जनता कुछ और कह रही है, सरकार कुछ और कह रही है। अब ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि आप डॉक्टर से कहते रहें कि पेट में दर्द है और डॉक्टर साहब इस बात को मानने को तैयार ही ना हो, कहें सब आपके दिमाग का फितूर है, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। महंगाई डायन खाए जात है गाना एक ज़माने में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, सबको महंगाई की जो परेशानी थी उसी गाने से बाहर निकल के आ रही थी। अब महंगाई को लेकर लोग गुस्से के नए नए तरीके अपना रहे हैं, कुछ और तो हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम इतने सारी परेशानियों के बाद सोशल मीडिया पर अपना जो मीम्स बना बनाकर लोग गुस्सा
अब ये वही वाली बात है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, दोनों एक ही तरह में कर रहे हैं, इस तरीके की हालत हो गई है महंगाई को लेकर। तो सोशल मीडिया पर क्या क्या लोग लिख रहे हैं, क्या क्या लोग कह रहे हैं महंगाई के बारे में, ये सब आपको बताते हैं इस पैकेज में। थोड़ा हंस भी लीजिएगा, थोड़ा रो भी लीजिएगा, क्योंकि जेब तो हमारी ही कट रही है। महंगाई ने अब सीधे मिडिल क्लास को टारगेट कर लिया है। दाम सुनते ही लोग एक ही साथ हंसते भी हैं और रोते भी हैं। हालात ही ऐसे हैं जनाब, टमाटर का भाव कलाकंद के बराबर हो गया है, आलू लगभग मोतीचूर लड्डू के भाव में बिकने लगे हैं, फिर हरी सब्जियों की बात ही क्या करें। पेट्रोल डीजल की कहानी तो आप सब जान रहे हैं, हर दिन महंगाई के नाखून लंबे होते जा रहे हैं, जो आम लोगों की जेब में सेंध लगाने के लिए काफी है। महंगाई की बात हो और सोशल मीडिया पर जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार वीडियो को देखिए, महंगाई से एक ही बचाव है, इससे बचे, कम खाएं, खाना और कम स्वस्थ रहें। कपड़े, नमस्कार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है, इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है, महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें, खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहनें, और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं, ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। हंसना मना है साहब, हंसेंगे भी कैसे, महंगाई की मार से तो आप पहले ही परेशान हैं। आप क्या, जिसे जहां देखिए वही महंगाई से परेशान है। जिस छोटी ट्रक में पहले एलपीजी सिलेंडर लाए जा रहे थे, उसी ट्रक में अब लकड़ी रखे जा रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके तस्वीर देखते चलिए। इस तस्वीर में मोहतरमा की साड़ी पर सिलेंडर की तस्वीर है, पति ने देखते ही बता दिया कि महंगी ही होगी। एक तो नई साड़ी, ऊपर से सिलेंडर की तस्वीर भी, महंगी तो होगी ही। एलपीजी सिलेंडर की महंगाई के बारे में आप जानते ही होंगे, पिछले एक साल में जो रेट बढ़े हैं, उसके बाद लोग खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं, फिर मन ही मन गुनगुना रहे हैं, शेर को पाला है तो खर्च तो उठाना ही पड़ेगा। पेट्रोल तो पहले ही ज्यादातर राज्यों में शतक लगा चुका है, कहीं कहीं डीजल भी 90 के पार है। हाल यही रहा तो एक ही पिच पर पेट्रोल के बाद डीजल के भी शतक हो जाएंगे। महंगाई की मार, जनता में हाहाकार, ये सब थोड़ी पुरानी हो गई। महंगाई की मार तो हर जगह है, लोग परेशान भी हैं, हम भी, आप भी, लेकिन इसका उपाय क्या है और इस उपाय का समाधान कौन निकालेगा, इस सवाल के जवाब की तलाश हर किसी को है, आपको भी, हमको भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नभर। चलिए साहब, इसी पर आज विराम लगाते हैं। जैसे कि हम उन्हें बता रहे थे कि महंगाई की मार तो अब पुरानी हो गई, जैसे कि वो स्लोगन पुराना हो गया, बहुत हुई महंगाई की मार। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, देश के बड़े मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको लेकर लोकतंत्र में।